हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे। ठीक है, कोरोना के इस दौर में जहां एक तरफ आपको अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, वहीं दूसरी तरफ हमें पूरे जोश, एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिस एंथुजियाज्म और जिस एनर्जी से हमने अपने कोर्स की शुरुआत की थी, वो एनर्जी और एंथुजियाज्म अब हमें दुगना करना है, क्योंकि अब हमारी शुरुआत हो चुकी है। तो अपनी एनर्जी आप मेंटेन रखिए, उसे आप बढ़ाएं, अपनी हार्डवर्क को बढ़ाएं और खूब मेहनत करिए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या है कि उन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनके बारे में हम कुछ पहले डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात कहूं, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी क्लास करते हैं तो कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट की क्लास आप एक सिटिंग में ही कंप्लीट करें। ठीक है, जैसे आप फिजिक्स की क्लास अगर आज अपलोड हुई है, तो फिजिक्स की क्लास आप कोशिश करें कि आप एक ही सिटिंग में उसे कंप्लीट करें, ऐसा आप कोशिश करें। ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको एक ही सिटिंग में आप कंप्लीट कर पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 10 मिनट बाद आपने अगर ब्रेक लिया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो जब आप 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो होता क्या है कि जो पहले आपको पढ़ाया जाता है और जो 10 मिनट बाद आपको पढ़ाया जा रहा है, उनमें कुछ कनेक्शन होता है, वो कनेक्टिविटी हमारी ब्रेक हो जाती है। तो उस कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए आप कोशिश करें कि आप एक ही सिटिंग में पूरे फिजिक्स के लेक्चर्स को कंप्लीट करें। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए चाहे तो बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक सब्जेक्ट आप एक ही सिटिंग में कंप्लीट करें। ठीक है, उससे क्या है, हमारी कनेक्टिविटी अच्छे से बनी रहती है और हम चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग से स्किप नहीं होती। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जब भी क्लास करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप जब भी लाइव देखते हैं, तो उसमें आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बनाइए ताकि उसमें आपको डिस्टरबेंस ना हो। कोशिश करें, या फिर अगर पॉसिबल हो तो आप अपना एक सेपरेट रूम भी बना सकते हैं, जिसमें आपके पास टेबल चेयर अवेलेबल हो, ताकि आप टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। तो कोशिश करें कि पढ़ाई करते टाइम, क्लासेस देखते टाइम आपको डिस्टर्बेंसेस कम से कम हो। ठीक है, आप चाहें तो ये बात भी कर सकते हैं कि आप क्लासेस करते टाइम कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो क्लासेस करते टाइम अपने आसपास का एनवायरनमेंट आप ऐसा क्रिएट कीजिए ताकि आपको क्लासेस करने में डिस्टर्बेंस ना हो, बीच क्लास में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, प्रॉपर क्लास जैसा आपका माहौल होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि बेड पर आप बैठ कर पढ़ाई ना करें, प्रॉपर टेबल चेयर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो उस क्लास को करते टाइम आपके बीच में कहीं पर डिस्टर्बेंसेस नहीं आने चाहिए, एक सेटिंग में आप पूरी क्लास अटेंड करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि आप नोट्स अपने टाइमली प्रिपेयर करते रहें, कि आप अपने नोट्स को मेंटेन रखें, उन्हें आप लैग में ना आने दें। आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए। ठीक है, आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड होने चाहिए ताकि अगर आपको कभी रिवाइज करने का मौका चाहिए तो आप उन नोट्स से उनको रिवाइज कर पाए। तो नोट्स आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें, उसमें लैग ना आने दें, और कोशिश करें कि आप क्लासेस स्किप ना करें। ठीक है, क्लासेस स्किप करने का मतलब आप क्लासेस बीच में कहीं स्किप ना हो, कि किसी दिन हमारी क्लास ना छूटे। उससे क्या होता है कि हमारे जो अगले लेक्चर का कनेक्शन है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर अगला लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होगा तो हमारे कनेक्शन थोड़े से वीक हो जाते हैं और हमें चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आप क्लासेस स्किप ना करें, टाइमली आप क्लासेस देखें, उन्हें नोट्स प्रॉपरली आप मेंटेन रखें। ठीक है, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि आप अपना होमवर्क पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करें और उसे सॉल्व करें। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद, नोट्स प्रिपेयर होने के बाद आप अपना होमवर्क सिंसियरली अटेम्प्ट करें। देखिए, जब तक आप होमवर्क अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वो थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी, आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे।
तो थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट के लिए ही हमें उसका होमवर्क प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, हमें सिंसियरली उसे सॉल्व करना है. उसमें हम कोई भी लैग आने नहीं दे सकते, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आप होमवर्क प्रॉपरली मेंटेन रखें, ठीक है, आप उसे टाइमली सॉल्व करते रहें, उसमें आप उनको होमवर्क को पाइल अप इकट्ठा ना होने दें. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि होमवर्क हम कल अटेम्प्ट करेंगे, होमवर्क आप टाइम बाय टाइम डेली अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, तो और इन्हीं इसी के साथ आपकी एनर्जी और जोश आपका डबल दुगना होना चाहिए. आप दुगनी मेहनत से आप अपना काम करें. ठीक है, आपको मेहनत करते रहना है. ठीक है, आपको टाइमली सॉल्व करती रहनी है चीजें. तो इन्हीं सब चीजों के साथ, इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो दैट इज सेंटर ऑफ मास, या फिर जिसे मास सेंटर भी कहा जाता है. ठीक, सेंटर ऑफ मास क्या है? ठीक, सेंटर ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज अगर मैं बात कहूं तो जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इन एग्जाम्स में इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, और इस चैप्टर से रेगुलरली इन चैप्टर के क्वेश्चंस आते रहते हैं. इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको रेगुलरली देखने में मिलेंगे इन जेई मेंस एंड एडवांस. तो ये उस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ ये जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है. ये आगे जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, या बेसिक चैप्टर कहूं तो ये एक बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीजें हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. जैसे अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कहूं रोटेशन, तो रोटेशनल जो मोशन चैप्टर है वो इसी चैप्टर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उसमें इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड होते हैं. ठीक, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स होंगे, भले ही वो 11th हो चाहे वो 12th हो, वो इसी चैप्टर से बेस्ड होते हैं, इसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे थोड़े बहुत. तो हमारे लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे की चीजों को समझ पाएंगे. तो कोशिश करें कि आप क्लासेस स्किप ना हो पाए आपकी. तो सेंटर ऑफ मास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो सेंटर ऑफ मास अब होता क्या है? व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? अगर हम नाम सुन के सेंटर ऑफ मास को समझना चाहें सिर्फ नेम से, तो हमें एक चीज समझ में आती है, सेंटर ऑफ मास यानी कि मास का सेंटर. ठीक है, इसलिए इसका मास सेंटर भी नाम है. तो सेंटर ऑफ मास का मतलब सेंटर ऑफ मास यानी कि मासेस का सेंटर, कुछ ऐसा हमें फील होता है. अगर मैं बात कहूं एक रिंग या एक हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी का हमें ऐसा समझ में आता है सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो उस मास का सेंटर होगा, यानी कुछ सेंट्रल पॉइंट करके हमें कुछ फील आती है. जैसे अगर हमारे पास 3-4 पार्टिकल्स भी रखे हैं, तो हमें उनका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा लगता है कि इन मासेस का जो सेंटर होगा वो कहीं बीच में होगा, कोई सेंट्रल पॉइंट होगा. कुछ हद तक ये जो आपने कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बहुत ठीक भी है. ठीक है, हर बार ये अप्लाई करना जरूरी नहीं है. तो सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये तो हमें थोड़ा फीलिंग आया नाम से सुन के, हमें थोड़ी ऐसी फीलिंग हमारे दिमाग में जनरेट हुई कि सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर. लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है या इसका एक्चुअल यूज क्या है, तो उसको मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं. लेट्स से हमारे पास साइकिल है. ठीक है, उस साइकिल में आपको पता है कि क्या होते हैं? टायर्स. ठीक है, मैं एक्चुअली में एक ही टायर ड्रॉ कर रहा हूं. ये जो साइकिल है मैं पूरी साइकिल ड्रॉ नहीं कर रहा, ये उस साइकिल का एक टायर है. ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा, साइकिल कुछ इस तरीके की है. अगर आप चाहें तो साइकिल ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं साइकिल रब कर दूंगा. तो ये कुछ इस तरीके की हमारे पास क्या है? एक बाईसाइकिल. ठीक, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ इस बाईसाइकिल के एक पहिए को या एक टायर को हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, बाकी के पार्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे. तो हमारे पास साइकिल का टायर है. ठीक है, अब हमें पता है कि जब ये साइकिल मूव करती है तो ये टायर कैसा मोशन करता है, ये टायर कैसे मूव करता है. तो जब साइकिल मूव करती है तो ये जो टायर है, साइकिल का टायर, टायर ऑफ अ साइकिल, इसका मोशन अगर हम देखें तो हमें ये जो साइकिल का टायर है ये रोटेट होता हुआ दिखाई देता है. साइकिल का टायर रोटेट होता है, लेकिन रोटेशन के साथ साथ ये आगे भी मूव करता है. ठीक है, जो साइकिल का टायर है वो रोटेट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो आगे की तरफ मूव भी करता है. तो उसका मोशन कुछ इस तरीके से होता है. ठीक, अब मैंने
पूछा कि यार इसके किसी भी एक पॉइंट का जो आपको अच्छा लगे वो आप एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट का मोशन आप मुझे समझाइए और उसके मोशन की एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस का मतलब कि किसी टाइम पर वो पार्टिकल कहाँ होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और इस तरीके का हमें एनालिसिस करना है। ठीक, तो हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट ने क्या किया कि इस साइकिल के इस टॉप मोस्ट पॉइंट को अपना पार्टिकल माना, ए पॉइंट को। ये पॉइंट पहिए के ऊपर वाला पॉइंट, टॉप पॉइंट। अब अगर हम इस पहिए के इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करें तो इसका मोशन कैसा होगा? देखिए, अगर साइकिल मूव नहीं करती, या फिर मान लो मैंने साइकिल स्टैंड पे लगा रखा है और उस पहिए को घुमाया, तो ए पॉइंट का मोशन कैसा होता? सर्कुलर, क्योंकि अगर पूरा पहिया घूमता तो ए पॉइंट भी सर्कल पर घूमता, यानी कि ए पॉइंट का मोशन सर्कुलर होता। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो पहिया है वो घूमने के साथ साथ चल भी रहा है, साइकिल चल भी रही। तो अब इसका मोशन अगर मैं ऑब्जर्व करूं इस पॉइंट का, तो ये घूमने के साथ साथ ये आगे भी मूव करेगा। मतलब कुल मिला के इसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि ये सर्कुलर मोशन तो करेगा लेकिन साथ साथ ये आगे भी चलेगा। तो अगर हम इसका मोशन देखें तो ये घूमने के साथ साथ आगे भी चलेगा, यानी इसका मोशन कुछ ऐसा होगा इस टाइप का। ठीक है, अगर हम ये रोड ले लें तो इसका मोशन कुछ इस टाइप का होगा। अगर हम इस मोशन को ऑब्जर्व करें तो क्या आप इसके मोशन को एनालाइज कर सकते हैं? जितना आपने अभी तक स्टडी किया है उसके बेसिस पर क्या हम इसका मोशन एनालाइज कर पाएंगे? ठीक है, आपने अभी तक एक ट्रांसलेशनल मोशन, यानी कि आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, उसमें क्या होता था, जो बॉडीज होती थी वो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में या किसी एंगल पर चलती थी। फिर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा जिसमें बॉडी सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती थी। लेकिन इस टाइप का मोशन आपने अभी तक स्टडी नहीं किया जिसमें एक पार्टिकल घूम तो रहा है लेकिन साथ साथ चल भी रहा है, तो उसका मोशन सर्कुलर भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो वो घूम भी रहा है और साथ साथ चल भी रहा है। तो मैंने आपसे पूछा तो ये तो समझ में आ गया, तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि सर ये घूम भी रहा है और साथ साथ आगे भी चल रहा है, इस टाइप का सा इसका मोशन है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ चलो 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहां होगा, कि 2 सेकंड बाद ये पार्टिकल कहां पर पहुंच चुका होगा, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी स्टडी आपने अभी तक की है? आपने ऐसा मोशन स्टडी नहीं किया तो आप इसका मोशन भी आप स्टडी अभी इस लेवल पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसका मोशन 2 सेकंड बाद ये कहां होगा ये हम नहीं बता सकते अभी तक की स्टडी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ऐसा मोशन हमने कभी स्टडी नहीं किया, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल ग्रेविटी, देखो थोड़ा बहुत तो ये प्रोजेक्टाइल जैसा लग रहा है लेकिन क्या ये प्रोजेक्टाइल है? प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल हवा में प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है इन ग्रेविटी, या ग्रेविटी का मतलब ही नहीं है तो ऐसे इसके पहिए के साथ साथ मूव कर रहा है। तो इसका मोशन एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट है, और इसका नहीं, आप किसी भी पॉइंट का देखिए तो हर पॉइंट का मोशन कुछ ऐसा ही होगा, घूमने के साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक होशियार बच्चा आया और उसने मुझसे कहा कि सर आपने एक पॉइंट चूज करने को बोला है जिसका मोशन आप एनालाइज कर पाए, तो मैं एक काम करता हूं कि इसी पहिए में एक पॉइंट चूज करता हूं जिसका मोशन हम बता पाएंगे, एंड दैट पॉइंट इज सेंटर। आप इस पहिए के सेंटर का मोशन बता सकते हैं। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने कहा सर अभी ये टायर यहां है, आप थोड़ी देर बाद टायर देखिए, जब टायर घूम के आगे पहुंचेगा तो टायर यहां पहुंच चुका होगा, इसका सेंटर यहां होगा। थोड़ी देर बाद टायर और घूमेगा तो सेंटर यहां पहुंच चुका होगा। तो अगर हम इसके सेंट्रल पॉइंट को ध्यान से देखें तो सेंट्रल पॉइंट का मोशन सर्कुलर नहीं है। सेंट्रल पॉइंट जो है इसका वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, चेक कर सकते हैं, क्योंकि जमीन से सेंटर हमेशा r दूरी पर रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस केस में हमारे लिए सेंटर का मोशन बताना आसान हो चुका है। ठीक है, कैसे आसान हो चुका है, क्योंकि सेंट्रल जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, वो एक नॉर्मल पार्टिकल की तरह चल रहा है। ठीक है, तो इसका मोशन बताना हमारे लिए आसान है, तो हमने इस पॉइंट को एक नाम दिया, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
सेंटर ऑफ मास एक बॉडी का वो इमेजिनरी पॉइंट होता है, इमेजिनरी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये कोई रियल पॉइंट नहीं होता, ये उस बॉडी का कोई एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ मास एक बॉडी में फिक्स होता है कि एक सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस बॉडी का एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसका मोशन हमारे लिए बताना आसान होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन समझाना हमारे लिए आसान है। यहां पर भी अगर सिचुएशन की बात करूं तो इस सेंटर का मोशन बताना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर। तो मैंने पूछा, अच्छा इसका दो सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, तो इसका दो सेकंड में आप डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो। दो सेकंड में आप सेंटर देख लीजिए कहां से कहां गया, ठीक है, तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या है? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका मोशन बताना हमारे लिए अभी तक के लेवल पर आसान पड़ता है। सेंटर ऑफ मास अगर इसका मोशन मुझे पता है, तो बच्चे ने कहा सर अब आप ए का भी मोशन बता सकते हैं। तो मैंने पूछा कैसे, ए का मोशन कैसे बताएंगे आप? तो इसका मोशन अगर मुझे पता है तो हम ए का मोशन भी बता सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए दो सेकंड बाद मुझे बताना है ए कहां है, हमें दो सेकंड बाद टी इक्वल टू टू पर बताना है कि ए कहां पर है, तो अब हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? हम ये देख लेंगे कि दो सेकंड में ये सेंटर कितना चला, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो दो सेकंड में, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन पे कर रहा है, घूम नहीं रहा, तो ये पता लग जाएगा कि ये सेंटर मान लीजिए टी इक्वल टू पर यहां पहुंच गया, तो हमें क्या है, उस टायर की लोकेशन मिल गई कि टी इक्वल टू पर यहां है। फिर और मैंने कहा ए की लोकेशन कैसे पता करें, तो उसने कहा कि ये एक बात करते हैं कि ए पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, अब आप ये निकाल लीजिए कि दो सेकंड में ये पॉइंट कितना घूमा। हमने पहले ये निकाला कि सेंटर कितना चला, क्योंकि ये बताना हमारे लिए आसान है। अब ये निकाल लीजिए कि दो सेकंड में ए कितना घूमा। मान लीजिए ए यहां कहीं आ गया दो सेकंड बाद, तो अब हम ए का मोशन भी बता पा रहे हैं कि ए का मोशन ए कहां पहुंच गया है, यहां पर। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका मोशन बताना हमारे लिए काफी आसान होता है। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि सर जिस पार्टिकल का मोशन बताना आसान हो जाएगा बॉडी में, जिस पॉइंट का मोशन बताना आसान हो जाएगा उसे सेंटर ऑफ मास बोल देंगे, बट ये उसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन बताना हमारे लिए काफी आसान होता है, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। और उसी पॉइंट की मदद से हम दूसरे पॉइंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं, ये इसका फायदा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का वो पॉइंट है जिसका मोशन हमारे लिए आसान होगा। इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है, कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हम क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। तो हमने अभी देखा कि किसी भी टायर के एक पॉइंट का मोशन बताने हमारे लिए क्या था, डिफिकल्ट था, लेकिन उसके टायर के एक पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट का मोशन बताना हमारे लिए क्या था, आसान, क्योंकि वो क्या कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था, हम आसानी से उसका पाथ बता सकते थे। तो सेंटर ऑफ मास की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है, हमारे पास एक एम मास का पार्टिकल है। हमने क्या किया, उस पार्टिकल को यू वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। तो ये मोशन तो आप पढ़ चुके हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कि अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका मोशन कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल। वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर मूव करता है और इस तरीके से ग्राउंड पर हिट करता है। इसका भी एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं। मैंने आपसे पूछा इसकी दो सेकंड बाद स्पीड बताओ, तो आप इसका v को cu प्लस at लगाते थे, दो सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहां पर होगा ये पार्टिकल, किधर जा रहा होगा, ये सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पार्टिकल को स्टडी करना हमारे लिए क्या है, आसान, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये पार्टिकल का मोशन आप पूरा एनालाइज कर पाएंगे, आई होप कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक पार्टिकल को थ्रो करने के बजाय, एक पॉइंट मास को थ्रो करने के बजाय, मैं एक एम मास की रॉड को थ्रो करने जा रहा हूं, रॉड। ठीक है, ये रॉड मतलब इस पेन टाइप का एक रॉड है हमारे पास जिसका मास सेम है, मास सेम लेना है, ध्यान रखना। अब मैं इस एम मास को यू वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करूंगा। अब जब इसे आप किसी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तो आपको पता है कि इसका मोशन कैसा होगा। अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करूं तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और इसका मोशन इसी पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, ये मोशन कुछ है तो प्रोजेक्टाइल ही, इसका मोशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही, लेकिन
इसके मोशन में एक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? अगर मैं इसका मोशन स्लो मोशन में देखें तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि ये जो रॉड है ये घूमती हुई चलेगी इस टाइप से. ऐसे घूमते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी और इस पॉइंट पर आकर गिर जाएगी. अगर हम इसका मोशन ड्रॉ करें तो लेट से हमारे पास एक रॉड है और उसको मैंने प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर. ठीक है, तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ देख लेते हैं. तो मैं इसका रॉड का डायग्राम बना रहा हूं. ये ए है, ये बी है. तो हमें पता है कि ये रॉड घूमेगी भी. अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो ये रॉड घूमती हुई मूव करेगी. तो इसका मोशन थोड़ी देर बाद रॉड ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल है, तो थोड़ी देर बाद ऐसे घूम चुकी होगी. तो थोड़ी देर बाद रॉड कुछ इस तरीके की हो चुकी होगी. अच्छा, ए पॉइंट कहां होगा? यहां, और बी पॉइंट यहां. थोड़ी देर बाद ये रॉड इस तरीके की हो चुकी होगी, वर्टिकल. ये रॉड यहां थी. अगर हम पेन को देखें तो थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे ऐसे घूमता हुआ जा रहा है. ठीक, थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसी हो जाएगी, वर्टिकल ए बी. थोड़ी देर बाद ये रॉड और घूम जाएगी, तो मान लीजिए यहां कहीं ऐसी हो गई, फिर से ये ए हो जाएगा और ये बी. थोड़ी देर बाद जब ये ऐसा होगा तो लेट से ये पॉइंट ऐसा हो चुका है, बी और ए. ठीक, और थोड़ी देर बाद देखें तो ये रॉड अब ऐसे हो चुकी होगी, तो रॉड इस तरीके से अलाइन हो चुकी है, ये ए और ये बी. फिर और घूमने के बाद ये रॉड कुछ इस तरीके की होगी, बी ए. तो इस तरीके से रॉड का मोशन होता रहेगा, ये बी और ये ए. यानी रॉड घूमने के साथ साथ चलेगी भी. फिर से अगर हम इस रॉड के मोशन को ऑब्जर्व करें तो इस रॉड का मोशन कैसा होगा? तो इस रॉड का मोशन कुछ ऐसा होगा. तो सर आप कोई पार्टिकल बताइए कि हमें किस पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करनी है. तो लेट से मैंने कहा ए पार्टिकल के मोशन, यानी कि इसके एंड पॉइंट के बारे में बात करनी है. तो अगर आप इसके एंड पॉइंट का मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो इसके एंड पॉइंट का मोशन कैसा होगा? तो ये रॉड रोटेट भी कर रही है और साथ साथ चल भी रही है. तो आप चेक करिए, ए एंड का मोशन कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके का. अगर इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो ए पॉइंट का मोशन वैसा ही होगा जैसा हमने एक पहिए का मोशन देखा था. पहिए में क्या था कि एक पार्टिकल घूम भी रहा था और साथ साथ चल भी रहा था. तो ये ए भी वही परफॉर्म कर रहा है कि ए पार्टिकल भी घूम रहा है और साथ साथ प्रोजेक्टाइल में चल भी रहा है. तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, घूमते हुए ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ए. ये क्या है? मोशन ऑफ ए. तो ए का मोशन हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया. क्यों? क्योंकि ये घूमते हुए चल रहा है तो इसका मोशन बताना हमारे लिए मुश्किल है. क्योंकि दो सेकंड बाद कहां होगा तो हम इसका मोशन ये देख करके कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आप किसी भी पॉइंट का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली में इस रॉड का हर पॉइंट रोटेट कर रहा है एक्सेप्ट वन पॉइंट. इस रॉड में अभी भी एक पॉइंट ऐसा है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है. आपने देखिए, मैंने बताया था कि इसका मोशन है तो अभी भी प्रोजेक्टाइल जैसा ही, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट का होता है. एंड दैट पॉइंट अगर मैं बात कहूं तो वो ये वाला. अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो ये पॉइंट हमेशा इस प्रोजेक्टाइल लाइन पर लाए कर रहा है. और किसी का पार्टिकल का मोशन ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं है. सिर्फ एक पार्टिकल इस बॉडी में होता है जिसका मोशन प्रोजेक्टाइल होता है. ये पॉइंट सेम है. ठीक है, ये पॉइंट सेम है. इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. इस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जो अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही करता है, वो अभी भी इस पाथ पर चलता है. कोई दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस पाथ पर चले. सिर्फ रॉड का जो ये पॉइंट है यही सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, बाकी सब घूमते रहते हैं. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टडी करना. तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन पर आऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बनती है, अच्छा ध्यान रखिएगा, इसका मास भी क्या लेना पड़ेगा, m. अच्छा, हमने क्या किया था, इस रॉड को सेम u वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था. तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ये बनती है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता था. तो बॉडी का, लेकिन एक ही पॉइंट होगा, एक बॉडी में वो एक ही पॉइंट होगा,
ऐसा नहीं कि दो पॉइंट हो जाएंगे, एक ही पॉइंट होगा, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो ये हो, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे वो हम सीखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसका मोशन, डेफिनेशन है, जिसका मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक प्रोजेक्टाइल या पार्टिकल का होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी, इमेजिनरी पॉइंट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म्स सेम मोशन एज दैट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सेम मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है बॉडी का जिसका मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक पॉइंट मास का होता, सेम मास का, अंडर सेम कंडीशंस। अंडर सेम कंडीशंस का मतलब कि आप दोनों की ये कंडीशन चेंज नहीं करोगे, थीटा यू चेंज नहीं करोगे तो दोनों का मोशन सेम रहेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट है जिसका मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक पार्टिकल का होता है। तो देखो, हमने पार्टिकल का मोशन तो स्टडी किया हुआ है, तो अब हमें इसका मोशन पता लग गया कि यह भी पार्टिकल की तरह चल रहा है, तो हमने इसके पार्टिकल के मोशन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी रॉड की जगह हम एक दूसरी बॉडी प्रोजेक्ट करते, लेट से इस रॉड की जगह मैं एक दूसरी बॉडी प्रोजेक्ट कर रहा हूं, लेट से हमने वहां पर एक स्फेयर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो लेट से मैंने एक यहां पर स्फेयर प्रोजेक्ट किया होता, एक स्फेयर फुटबॉल टाइप। तो अगर हम एक फुटबॉल को प्रोजेक्ट करेंगे तो एक फुटबॉल क्या करती है, फुटबॉल भी चलती है, लेकिन फुटबॉल सिर्फ चलती नहीं है, फुटबॉल घूमती भी है। तो अगर लात मारेंगे तो फुटबॉल घूमेगी भी, तो फुटबॉल घूमते हुए चलती है, यानी फुटबॉल भी कुछ घूमती हुई और चलती हुई दिखाई देगी। फुटबॉल को भी मैंने यू वेलोसिटी दी थीटा एंगल पर और घुमाकर छोड़ दिया। इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे, ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट का मोशन यही रहेगा, फिर से वही सेम सिचुएशन, घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो इसका मोशन सेम रहेगा। तो इसका मोशन स्टडी करना हमारे लिए क्या है, डिफिकल्ट। लेकिन इस बॉडी में भी एक पॉइंट ऐसा है जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, वो घूम नहीं रहा, वो सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो वो पॉइंट हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अभी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो सेंटर हमेशा इसी लाइन पर ही लाया करेगा। तो सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट जो एक पॉइंट पार्टिकल की तरह मोशन करता है सेम मास के। इवन मैं कहूं कि अगर मैं एक स्फेयर की बजाय एक रैंडम बॉडी लेता और इस रैंडम बॉडी को घुमाता और इसको भी यू वेलोसिटी देकर थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर देता, तो अब इसका मोशन कैसे एनालाइज करें। तो पहले आप क्या करेंगे, इस बॉडी का वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या किया, इस बॉडी में वो पॉइंट ढूंढा। कैसे ढूंढा वो हम ढूंढना सीखेंगे, लेकिन मान लीजिए वो पॉइंट यही पॉइंट आया, ये पॉइंट। तो अब हमारे लिए इसका मोशन बताना आसान है क्योंकि सेंटर ऑफ मास वही मोशन करेगा जो एक पार्टिकल करता है। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेगा, यानी बॉडी अभी भी इसी लाइन पर ही होगी, ये पॉइंट अभी भी इसी लाइन पर ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन इसमें भी हमारे लिए क्या है, आसान, क्योंकि जैसा पार्टिकल मोशन कर रहा है वैसा ही सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी का वो पॉइंट जो कैसा मोशन करता है, जो वैसा ही मोशन करता है जैसा कि एक पॉइंट मास करता, सेम मास का पॉइंट मास करता अंडर सेम कंडीशन, ठीक है। सबका मास m है, इसे नोट करिए, फिर मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। लेकिन एक और डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, तो पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आपको सेंटर ऑफ मास की दूसरी डेफिनेशन बताता हूं। सेंटर ऑफ मास की सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं, उसको भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, वो रॉड का मास था m। तो इस रॉड में क्या होता है, मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास हर पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां का भी कुछ मास है, यहां का भी कुछ मास है, यहां का भी, तो मास पूरा फैला हुआ है। अब हमने क्या किया, इस पर एक एफ फोर्स लगाया। यहां पर मैं ग्रेविटी को नेगलेक्ट कर रहा हूं, मतलब ग्रेविटी नहीं है ऐसा मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसा भी समझिए कि हम रॉड को हॉरिजॉन्टल में ऐसे रख दिया,
इससे फायदा क्या है कि एमजी जो लगता है उसको कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल और एमजी दोनों एक दूसरे पे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कुल मिला के ग्रेविटी नहीं लगेगी, नॉर्मल एमजी कैंसिल आउट। अब हमने क्या किया, इस रॉड के एक एंड पर एफ फोर्स लगाया। तो अगर इस एक एंड पर एफ फोर्स लगाएंगे तो इसका मोशन कैसा होगा, तो आप देख भी सकते हैं, अगर इस पर एफ फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगी भी और साथ साथ चलेगी भी, यानी ये मोशन भी वैसा ही है। तो इसमें हम एक और डेफिनेशन का यूज करते हैं। वो डेफिनेशन क्या कहती है कि आप सबसे पहले इस बॉडी का वो सेंटर ऑफ मास ढूंढिए, ठीक है। वो ढूंढते कैसे हैं, वो ढूंढना सीखेंगे, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, अभी तो मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं सेंटर ऑफ मास का। मान लीजिए वो पॉइंट ये आया, इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कैसे आया वो सीखेंगे। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ऐसा मान लीजिए। तो अब सेकेंड डेफिनेशन ये कहती है कि आप बॉडी के पूरे मास को, जो पूरा मास फैला हुआ है एम मास, इस पूरे मास को इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो। यानी मैं पूरे पे पूरे बॉडी के मास को उस एक स्पेशल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड, यानी कि इकट्ठा हुआ हुआ मान सकता हूं। यानी आप यह भी कर सकते हो कि पूरी बॉडी को मेल्ट कराओ और पूरे मास को आप उस पॉइंट पर ले जाकर रख दो। तो आप इस सिचुएशन को ऐसा कर सकते हो कि पूरे मास को मेल्ट करा के, कंसंट्रेट करके, इकट्ठा करके इस पॉइंट पर रख सकते हो। तो सेकेंड डेफिनेशन ये बोलते हैं कि हम रॉड के या बॉडी के पूरे मास को इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड, इस स्पेशल पॉइंट पर एज्यूम मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस पूरे मास को इस पॉइंट पर माना, तो पूरा मास इस पॉइंट पर आ गया सेंटर ऑफ मास पर। मैं यही डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, पूरे मास को इस पॉइंट पर बना रहा हूं, ठीक है, एम मास को। अब हमने क्या किया कि इस एम मास की बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, एफ, हमने रॉड पर एफ फोर्स लगाया। तो हमें इस पॉइंट पर भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ। जो सिचुएशन यहां है वही सिचुएशन यहां है। तो अब क्या हुआ कि आप इसका मोशन देखिए तो बता सकते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर एक एम मास के पॉइंट पर एफ फोर्स लगाया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, एफ बाय एम आएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सेलरेशन आया ये किसका आया, सेंटर ऑफ मास का, सीएम, एसीएम। एसीएम का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आई एफ इक्वल्स टू एम ए। ये कहीं देखी देखी सी इक्वेशन है, दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस आया, वो डिफरेंस क्या आया कि एफ इक्वल्स टू जब हम एम ए लिखते हैं, अब यहां पर हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सेंटर ऑफ मास की। तो एफ इक्वल्स टू एम ए लिखते टाइम, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी लिखा था, तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होती थी वो उस स्पेशल पॉइंट की होती है, उस सेंटर ऑफ मास की होती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि ये पॉइंट जैसा मोशन करेगा, ये पॉइंट पार्टिकल बन गया, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे मास को, बॉडी के पूरे मास को आप उसके एक पॉइंट पर, उस स्पेशल पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो। तो मैंने पूरा मास मेल्ट कराया, उस पॉइंट पर रखा और उस पॉइंट की एक्सेलरेशन निकाली, ठीक है। तो ये रॉड है, मैंने पूरा मास इस पॉइंट पर रखा और एफ फोर्स लगाया और एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है। रॉड पर एफ फोर्स यहां लगा, लेकिन हमें पॉइंट पर, तो पॉइंट पर फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट की साइज नहीं होता, तो उस पर एफ फोर्स राइट साइड लगाएंगे। अब मैंने कहा अच्छा एक बात, तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालो, इस वाले पॉइंट की। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि सर पूरे के पूरे मास को इस पॉइंट पे मान लो ना, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन चाहिए तो पूरे के पूरे मास को यहां मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ उस स्पेशल पॉइंट पर ही आप कंसंट्रेटेड मानोगे, जो एक बॉडी के लिए एक ही होता है, एक बॉडी के लिए वो पॉइंट एक ही होता है। तो आप पूरा का पूरा मास हमेशा सिर्फ उसी पॉइंट पर ही मानोगे और किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन के लिए नहीं मानोगे। तो ध्यान रखना, पूरा का पूरा मास सिर्फ इसी पॉइंट पर ही मानेंगे और जो एक्सेलरेशन मिलेगी वो भी सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस पॉइंट की मिलेगी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को कंपेयर करें, ठीक। तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां, जिसका मोशन वैसा ही होगा जैसा कि एक पॉइंट मास का होता। अब ये पॉइंट मास आप देखिए स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इस केस में भी ये जो पॉइंट है ना, ये अभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा और इसकी एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कितनी, एफ बाय एम। ये सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन क्या है, सेम।
कि आप पूरे मास को इस पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, है नहीं लेकिन मान सकते हो। तो अब क्या होगा, रॉड इसी पॉइंट के अबाउट हमेशा क्या करती जाएगी, घूमती हुई जाएगी, लेकिन यह पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा सेंटर, ठीक है। इसीलिए सेंटर ऑफ मास पढ़ना हमारे लिए आसान है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के दो फायदे हमें पता लगे। क्या? कि सेंटर ऑफ मास यानी कि बॉडी के उस स्पेशल पॉइंट का मोशन वैसा ही होता है जैसा कि एक पार्टिकल का होता है, और कुछ चीजों के लिए हम पूरे के पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पर मान सकते हैं, ठीक है, सॉरी हम पूरे के पूरे मास को उसके इस पॉइंट पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चीजों के लिए। हर बार पूरा का पूरा मास यहां रखना, हर बार पूरी की पूरी बॉडी के मास को इस पॉइंट पर रखना इज नॉट कंपल्सरी, मतलब कंपल्सरी मतलब वो सही नहीं होता, सिर्फ कुछ चीजों के लिए ऐसा होता है। वो चीजें कौन सी है, कब हम पूरे मास को इस पॉइंट पर इकट्ठा मानेंगे, कब हम पूरे मास को इस पॉइंट पर इकट्ठा नहीं मानेंगे, ये सब हम चैप्टर के बीच में पढ़ते हुए जाएंगे कि कब आप मास पूरा कंसंट्रेट करोगे, कब आप पूरा मास कंसंट्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो एक चीज तो पता लग गई कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इकट्ठा कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इकट्ठा मान सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की दो डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, पूरा ओवरऑल मैं मोशन को समराइज कर रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जिसका मोशन वैसा ही होता है जैसा कि एक सेम मास के पार्टिकल का होता, जैसा एक सेम मास का पार्टिकल चलेगा सेंटर ऑफ मास भी वैसे ही चलेगा, वो पॉइंट भी वैसे ही चलेगा। सेकंड, कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए हम पूरे के पूरे मास को मेल्ट कराकर उस पॉइंट पर इकट्ठा मान सकते हैं, इकट्ठा मतलब उस पॉइंट पर हम लाकर पूरे मास को रख सकते हैं ताकि हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर पाए, जैसे कि उस स्पेशल पॉइंट की एक्सेलरेशन। तो उस स्पेशल पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर हम डेफिनेशंस लिखते हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास की फर्स्ट डेफिनेशन है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लिख लीजिए, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ध्यान रखना इमेजिनरी पॉइंट होता है, ठीक है। ये हम सोचते हैं उस बॉडी में एक पॉइंट ऐसा सोचते हैं, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट ऑफ एनी एक्सटेंडेड बॉडी, किसी बॉडी मतलब बड़ी बॉडी को बोलते हैं एक्सटेंडेड बॉडी जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कि आपके पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स का सिस्टम भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, तो इनके लिए भी हम वो पॉइंट ढूंढते हैं, जरूरी नहीं है बॉडी हो, पार्टिकल्स के लिए भी हम वो पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक। कैसे ढूंढेंगे आगे बात करेंगे। तो ये उस बॉडी का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कोई एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसका मोशन विच विल परफॉर्म सेम मोशन एज अ पार्टिकल ऑफ सेम मास वुड हैव परफॉर्म्ड अंडर एप्लीकेशन ऑफ सेम एक्सटर्नल कंडीशंस। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं, क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि ये किसी भी बॉडी का, चाहे वो स्फेरिकल हो चाहे वो कोई भी रैंडम बॉडी हो, ये किसी भी बॉडी का वो एक पॉइंट है, किसी भी एम मास की बॉडी का वो एक पॉइंट है जो वैसा ही मोशन करेगा जैसा कि एक सेम मास विच विल परफॉर्म सेम मोशन जैसा कि सेम मास का पार्टिकल वुड हैव परफॉर्म, जैसा कि इस पार्टिकल मोशन करेगा वैसा ही ये पार्टिकल भी मोशन करेगा, लेकिन अंडर एप्लीकेशन ऑफ सेम एक्सटर्नल कंडीशंस। लेकिन दोनों की इनिशियल कंडीशंस, मास भी सेम होना चाहिए और इनिशियल कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए। तो फटाफट इस डेफिनेशन को नोट करिए, फिर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन पर आते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है, कि इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट सेम वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम, जहां पर पूरे सिस्टम का मास आप कंसंट्रेट कर सकते हो, कैन बी एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, आप वहां पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो, ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम क्वांटिटीज। सिर्फ कुछ टर्म्स या कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें कैलकुलेट करने के लिए आप पूरे के पूरे मास को
उसी पॉइंट पर रखोगे, सेंटर ऑफ मास पर, उसी इमेजिनरी एक पॉइंट पर रखोगे। वो पॉइंट होगा कहां वो ढूंढना सीखेंगे बाद में। जैसे कि आपको जो चीजें कैलकुलेट करने के लिए आप मान सकते हो वो कुछ क्वांटिटीज हैं, जैसे कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आप पूरा मास उसी पॉइंट पर मानोगे। इस पॉइंट के लिए नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की एक्सेलेरेशन पर मानने के लिए ही सेंटर ऑफ मास पर मास एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की अगर आपको एक्सेलेरेशन चाहिए, उस पॉइंट की एक्सेलेरेशन चाहिए, तो पूरा मास वहां मान लो। ये एग्जांपल मैंने समझाया था। सेकंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर एक एम मास का पार्टिकल एच हाइट पर रखा हो तो, और इसको अगर जीरो लेवल मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे, एम जी एच, एच हाइट पर एम जी एच। अब अगर मान लो एक पार्टिकल की बजाय मैं एक रॉड ले लूं, एक रॉड, मैंने एक एम मास की रॉड ली और उसको वर्टिकली रखा। अब मैंने पूछा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो अब इसमें क्या होगा कि हर मास अलग अलग हाइट पर रखा हुआ है। अगर मैं छोटा सा मास ऊपर काटूं तो उसकी हाइट अलग है, छोटा सा मास बीच में काटूं तो उसकी हाइट अलग है, हर मास की हाइट क्या है अलग अलग, हर मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो। इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां आया, लेट्स से बीच में आया L बाय टू पे और L बाय टू पे, तो आप क्या करो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप पूरा का पूरा मास, ऐसा मान लो कि पूरा एम मास इसी पॉइंट पर रखा है, यानी कि मैं पूरे एम मास को यहां पर रख सकता हूं और अब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी आसानी से लिख सकता हूं एम जी एल बाय टू। तो कुछ चीजों के लिए हम सेंटर ऑफ मास पर, यानी उस पॉइंट पर पूरा का पूरा मास मान सकते हैं। कब मानेंगे, उस पॉइंट की एक्सेलेरेशन अगर निकालनी हो तो पूरा मास वहीं मान लो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो भी पूरा मास उसी पॉइंट पर मान लो। लीनियर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जान लो अभी तो। लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए भी आप पूरा मास उस पॉइंट पर मान सकते हो। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप ये नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कितनी एनर्जी है ये निकालने के लिए पूरा मास इस पॉइंट पर नहीं मान सकते। इसके बारे में और सबके बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है कि कुछ चीजों के लिए पूरा मास उस पॉइंट पर आ जाएगा, मान लेंगे, कुछ चीजों के लिए नहीं मान सकते। जिनके लिए नहीं मान सकते वो मैंने आपको एक टर्म तो बता दी, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कब मानना है कब नहीं मानना। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम ये पढ़ेंगे कब मानना है और कब नहीं मानना, कब उसको पूरे मास को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना है कब नहीं इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक नोट लिखना है कि ये जो पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं बॉडी का, तो दिस पॉइंट मे और मे नॉट लाई ऑन द एक्सटेंडेड बॉडीज और सिस्टम। ये पॉइंट उस बॉडी पर हो भी सकता है और उस बॉडी पर नहीं भी हो सकता, ठीक है। अच्छा, जैसे बात करते हैं नहीं होने की, तो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिंग है, रिंग समझते हैं, ठीक है, पहिए टाइप कुछ है हमारे पास रिंग। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो जान लीजिए अगर ये रिंग यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म का मतलब हमें एक ही तार से इसे बनाया, तो यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह मास सेम है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो अगर मैं इसको एक यूनिफॉर्म रिंग लूं तो यूनिफॉर्म रिंग में अच्छा मास कहां होगा, कुछ मास यहां पर है, कुछ मास यहां पर है, कुछ मास यहां पर है। जब आप इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे आगे जाके, जो हम सीखेंगे निकालना, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां आता है। क्या ये पॉइंट बॉडी के ऊपर है? देखो बॉडी जो है वो तो यहां है। क्या ये पॉइंट बॉडी के ऊपर कहीं आया? ये तो हवा में है। अगर मान लो हमारे पास एक रिंग हो तो रिंग तो मास तो पूरा सिर्फ बाहर है, रिंग में मास तो सिर्फ बाहर होता है। तो अगर मैं बात करूं बीच में, बीच में तो स्पेस हवा होती है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही आता है, सेंटर हवा में। तो ये जो पॉइंट है ये उस बॉडी पे हो भी सकता है, उस बॉडी के ऊपर हो सकता है या उस बॉडी के बाहर भी कहीं हो सकता है, नहीं भी, मतलब दिस पॉइंट मे और मे नॉट लाई ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज और सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक सिस्टम लूं पार्टिकल का, जैसे मान लीजिए ये 2 kg है, ये 4 kg है, तो इनके लिए भी
अपन वो पॉइंट डिफाइन करते हैं, इसको मैंने सिस्टम बना लिया अपना एक। तो इनके लिए भी जब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सीखेंगे निकालना, तो लेट से वो यहां कहीं आ गया, क्या यहां एक्चुअली में कोई मास है, बॉडी है? नहीं है। तो ये पॉइंट उस बॉडी के ऊपर कहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है? तो इसे नोट कर दीजिए।